तुम्हें खजाने का रास्ता बताने आए हो। जादूगर अक्काश के हुक्म से हम तुम्हें जहन्नम का रास्ता बताने आए हैं। चलो आओ सिंदबाद, आओ। खुल खुल। ये तिलिस्मी और जहन्नमी गोले जान लेकर छोड़ेंगे। ये सब कंबख्त सिंदबाद की वजह से हो रहा है। ये सब उस कंबख्त सिंदबाद की वजह से हो रहा है। ये उस सिंदबाद की वजह से ये शैतान हमारे पीछे पड़ा है। खजाना हमें अपनी जान से प्यारा नहीं है, नहीं चाहिए हमें खजाना, नहीं चाहिए। ए खबीस करवान, तुम जीते हम हारे, और कहां फिरे दर दर मारे मारे। हमें खजाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं, हमें खजाना नहीं चाहिए। बिन रज़ाक, तेरा ये बंदा बड़ा अक्लमंद है। अच्छा हुआ जो तूने इसकी बात मान ली। जाओ, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, मगर फिर कभी जजीरा कहरान में नजर मत आना। यहाँ से फौरन भाग जाओ। चलो भागो। जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को जाए। अब मैं कदम भी नहीं चल सकती, मुझे यहीं छोड़ दो। कैसी बुजदली की बातें करती हो कहकशां? हाँ कहकशां, तुम तो बड़ी बहादुर और हिम्मत वाली लड़की हो। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। मगर हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं कहकशां? जाना ही होगा तुझे सिंदबाद, तुझे जाना ही होगा जजीरा कहरान से दूर। अपने मकसद को हासिल किए बगैर मैं यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तो जादूगर अक्कास के हाथों मारा जाएगा सिंदबाद। अक्कास ने कुछ 30वीं पत्थर तुझे तोहफे में भेजे हैं। ये बच्चों की तरह क्या खेल खेल रहा है खबीस करबान? हिम्मत है तो बहादुरों की तरह मुकाबला कर। अगर तू इतना ही बहादुर है तो ले इस आग के गोले का मुकाबला कर। आसिफ अल्नासिर कहकशां, तुम लोग यहां से दूर हट जाओ, इस आग के गोले का मैं अकेले मुकाबला करता हूं। शमशीर सुल्तानी, या अल्लाह इस शमशीर सुल्तानी में ऐसी बिजलियों की ताकत भर दे कि ये आग के गोले का मुकाबला कर सके। सिंदबाद, अगर जादूगर अक्काश के हुक्म से मैं मजबूर ना होता तो मैं तुझे अभी हलाक कर देता। मगर सिंदबाद तेरी तरह मजबूर नहीं है खबीस खरबान। अगर बच सकता है तो शमशीर सुल्तानी के इस वार से बच। खबीस खरबान, मैंने ईद के दिन तुझसे वादा किया था कि तू
अगली ईद तक मेरे ही हाथों से मारा जाएगा। आज खुदा की मर्जी से मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। इस दुनिया में तुझ जैसे शैतानों की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये शैतान मर गया? हाँ कहकशां, ये मर्दूत शैतान जहन्नम पहुंच चुका है। खुदा का शुक्र है, इस शैतान से तो पीछा छूटा। अब दूसरे शैतान की फिक्र करो सिंधबाद। हाँ आका, हमें चौथी तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करने के लिए सर कटे शैतान के तिलिस्मी गार तक पहुंचना है। ए तिलिस्मी खोपड़ियों, क्या तुम सर कटे शैतान के गार तक हमारी रहनुमाई कर सकती हो? हाँ, हमारी आंखों से निकलने वाली रोशनी तुम्हें वहाँ का रास्ता बताएगी। तो चल, हमें सर कटे शैतान के गार की तरफ ले चल। सरदार, हम भागते भागते कहां पहुंच गए सरदार? यहां तो ना कोई रास्ता है और ना ही कोई मंजिल सरदार। अबे बंद कर अपनी जबान। खरवान ने तुझे अकलमंद क्या कह दिया? तू अपने आप को बहुत बड़ा अकलमंद समझने लगा है बेवकूफ अहमद। सरदार, हम वाकई गलत जगह पहुंच गए हैं सरदार। सही जगह आ गए हैं। क्या मतलब? ये देखो। बेमजाक हो ना हो, कारून के खजाने का गार यही है। हाँ दिलरुबा, हाँ, लगता है किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है, क्योंकि खजाने के हीरे खुद खजाने का रास्ता बता रहे हैं। चलो चलो। रुक जाओ सरदार। अब फिर कोई अपने अक्ल की दाल बघारेगा क्या? सरदार, बड़ी मुश्किल से जिंदगी मिली है और आप फिर मौत के मुंह में जा रहे हैं सरदार। ये मौत नहीं है अहमद, जिंदगी है जिंदगी, ऐशो इसरत की जिंदगी। मेरे साथ चलो चलो और सारा खजाना समेट लो। हाँ, हम सब की जिंदगी संवर जाएगी। चलो चलो। चल बेटा जमाल, चलकर अंदर देखते हैं, मौत मिलती है या जिंदगी। आओ करूं का खजाना। खजाना खजाना, दिलवा खजाना, खजाना, खजाना। माले मुफ्त, दिले बेरहम, कारुन का खजाना, कारुन का खजाना। रज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक,
तभी इस खरबान ने तुझे इस खजाने से दूर रहने के लिए कहा था, मगर तुमने उसकी बात नहीं मानी। मेरा नाम ही कज़ाक है, कज़ाकी यानी लूटमार मेरा पेशा है। फिर भला मैं कैसे कैसे इस खजाने को छोड़ सकता हूँ? खजाना तुझे मुफ्त में नहीं मिलेगा। हाँ, मगर मैं तो मुफ्त खोर हूँ। कभी कोई चीज खरीद कर न खाता हूँ न पहनता हूँ। मगर मैं तुझे ये माल मुफ्त में नहीं हजम करने दूंगा। तू क्या समझता है इतनी आसानी से ये सारा खजाना ले जाएगा? मतलब ये कि तुम सबको मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त जीत जाने पर पूरा का पूरा खजाना तुम्हारा। पूरा का पूरा खजाना हमारा हमारा। तब तो इस कानून के खजाने के लिए मैं तुम्हारी हर शर्त मंजूर करता हूँ। मुझे हर शर्त मंजूर है, मुझे मंजूर है। तो आओ, तुम सब मेरे साथ आओ। चलो चलो। घूमती हुई मछली, इस मुर्दा का हम क्या करेंगे? अज़ाक बिन रज़ाक, तीर तो तूने बहुत चलाए हैं, आज तेरी तीरंदाजी का इम्तिहान है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मछली घूम रही है और तुम्हें इसकी आंख को निशाना बनाना है। ये तीन तीर हैं, यानी तुम्हें अपना निशाना आजमाने के लिए तीन मौके मिलेंगे। पहला, दूसरा या तीसरा। जो भी तीर घूमती हुई मछली की आंख में लगेगा, मैं पत्थर बन जाऊंगा, यानी मेरी हार तुम्हारी जीत और तुम खजाने के मालिक बन जाओगे। ये तो बहुत ही आसान है बिन रज़ा, और वैसे भी तुम्हारा निशाना कभी खता नहीं होता। हाँ दिलरुबा, हाँ, मैं तो समंदर की गहराई में तैरती हुई मछली की आंख को भी निशाना बना सकता हूँ। तब तो तुम बड़ी आसानी से इस मछली की आंख को भी निशाना बना सकते हो। लेकिन अगर नहीं बना सके तो क्या? तो फिर याद रखो कि पहला तीर अगर निशाने पर नहीं बैठा तो तुम सबके एक तिहाई जिस्म पत्थर के बन जाएंगे। नहीं, दूसरा तीर भी अगर चूक गया तो फिर एक तिहाई जिस्म पथरा जाएगा, और अगर तीसरा तीर भी खता हुआ और मछली की आंख को नहीं लगा तो बाकी एक तिहाई जिस्म के साथ तुम सब के सब हमेशा हमेशा के लिए पत्थर के बन जाओगे। कोई पत्थर का नहीं बनेगा। मुझे मेरे निशाने पर पूरा पूरा एतमाद है, पूरा पूरा एतमाद। मुझे तेरी शर्त मंजूर है अक्कास। नहीं सरदार, नहीं, मुझे तो आप अपनी इस शर्त से माफी कीजिए। अगर मैं पत्थर का बन गया तो न घर का रहूंगा न घाट का, और मेरी होने वाली बीवी कुंवारी रह जाएगी। खामोश बुजदिल, मैंने शर्त मंजूर की है, और शर्त
मैं ही जीतूंगा। सरदार चुप। कारून के खसाने के लिए कज़ाक बिन रज़ाक कुछ भी कर सकता है। डाल दू भाई बला को डाल दू। सरदार, कीमती पत्थरों के लिए खुद पत्थर बन जाना कहां की अकलमंदी है? हाँ बिन रज़ा, मैं भी पत्थर की नहीं बनना चाहती। बंद करो बकवास, लाओ तीसरा तीर। सब हार गए। जादूगर अब सिंधबाद का भी यही हाल होगा जो तुम लोगों का हुआ है। तिलिस्मी खोपड़ियों, क्या तुम ये बताना चाहती हो कि सर कटे शैतान का तिलिस्मी गार यही है? हाँ, यही है सर कटे शैतान का तिलिस्मी गार। यहाँ तक रहनुमाई का शुक्रिया तिलिस्मी खोपड़ियों, मगर सिंधबाद याद रखना, सर कटा शैतान सुनहरी तिलिस्मी खोपड़ी का निगेबान है और तिलिस्मी खोपड़ी सख्त पहरे। हाँ मुझे याद है। आओ आसिफ,
इस सर कटे शैतान को जहन्नम का रास्ता दिखाएं। चलो